सिमडेगा लहर दग्गा को जाने वाले राम सीता खड़ी है, कृपया टिकट ले ले। 28 बार डीजल बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाड़ा भाड़ा सबको पता नहीं क्या हो जाता है। एक गाड़ी अभी आई अप एंड डाउन, उसका सेल हुआ 2500, 5000 का तेल लगेगा, कम से कम 800 रुपया स्टाफ रखिए, कितना हुआ 5800, उसका अप एंड डाउन सेल हुआ 2500 रुपया। आने में डीजल भरा लिए 4500 का, 1600 में उधर से पहुंचे हैं, अभी देखिए इधर कितना होता है। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जोहार, आप देख रहे हैं पांडे जी, और 72 दिन के बाद हम आए हैं स्टैंड में, कहे कि बस खुल रहा है। ये सब ऐसी बस है, सरकार के द्वारा खाली मोहर लगा हुआ है, प्राइवेट आदमी चलाता है। कै गो पैसेंजर है आपका बस में? 4 गो हुआ। 4 गो, 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा जी, तो यही लेके चल जाइएगा। क्या करेंगे सर, प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना ही है। प्रतिष्ठा में प्राण गंवा रहे हैं खाली, तही तो पेट्रोल के भी दाम नहीं निकलेगा। नहीं निकल कहाँ से पाएगा, 10000 रुपये डीजल खाएगा। आप अभी बोल रहा है कोरोना काल में कि एसी खराब है, एसी वाला जगह पर नहीं रहना, आप लोग एसी बस चला रहे हैं। एसी कहाँ चल रहा है सर, कम एरिया में एसी चल रहा है, एसी उतना चल कहाँ रहा है। इतना दिन जो 72 दिन हो गया, इस समय सैलरी वैलरी आप लोग को मिला? कुछ नहीं मिला है सर, 1 रुपया नहीं। हा? 1 रुपया नहीं मिला। सुने कि रेट वेट बढ़ा दिए आप लोग, पूरा डबल कर दिया? कुछ किराया नहीं बढ़ाया, जो पहले रेट था वही रेट पे भी है। यहाँ से धनबाद का कितना है? 300 रुपया है। बोकारो का? 250 रुपया। बोकारो का 250। तो आप लोग का सबका कैसे चला जीवन 72 दिन? क्या बोले सर, हम लोग गरीब आदमी, कमाने खाना, सरकार का लाल कार्ड था वही खाते पीते थे हम लोग, क्या करें, घर में रहना है, ज़्यादा हुआ मजदूरी कर लिए, नहीं कुछ कहा नहीं साधन। तो आप लोग तो स्किल्ड लेबर में आते, सबको बस बस चलाने आता है आप लोग को? नहीं सर, ये चालक है, हम लोग उप चालक हैं। अच्छा, खलासी? चालक है। आप चालक हैं तो आपको भी मजदूरी करना पड़ा? मजदूरी हम लोग कुछ नहीं सर किए हैं, हम लोग घर में बैठे रहे हैं चुपचाप, कहीं से कोई जॉब नहीं। कैसे मजदूरी नहीं की? हाँ, तेल सरसों कहाँ से चला? जिससे तिससे, जिससे तिससे मांग मांग के, मैंने दोस्त लोग से कर्जा कर्जा पैसा लेके सब कर्जा में चल गए हैं। अच्छा, डीजल का रेट बढ़ा तो आप लोग कुछ बढ़ाए हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग अभी कोई आदेश, जो पुराना बढ़ा। आपको कहीं जाना है सर? हाँ, टाटा जाना है। टाटा? कितना पैसा में पहले जाते थे? पहले जाते थे 250 रुपया। अभी कितना दे रहे हैं? अभी 250 देंगे। 250? तो डीजल वजल का रेट बढ़ गया कह रहा है लोग? तो बढ़ गया तो फिर देखेंगे, अभी तो पहली बार आए हैं, कब से बहुत दिन के बाद आए हैं। अरे कौन बस, आप बस चलवाते हैं? सैनिटाइजर वैनिटाइजर कर रहे हैं? सब सब है गाड़ी में, जाइए ना, वो देखिए सामने रखल है, वहाँ गाड़ी में सामने सैनिटाइजर सब सीट पे स्प्रे कर रहे हैं। हाँ। देखिए धीरे धीरे ही सही, इस सड़ा हुआ बस स्टैंड में सड़ा हुआ, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ना ड्राइवर के लिए, ना खलासी के लिए, ना आम आदमी के लिए रहने का यहाँ पे बढ़िया व्यवस्था है। सरकार का दावा है कि बस चल रहा है, देखिए भाई हाई वाईफाई वाला बस है, वाईफाई से लेके और दुनिया जहान तक। एक बार स्वच्छ भारत अभियान चलाने वाला को यहाँ आना चाहिए, है कि नहीं? देखिए कितना साफ सुथरा है, मेयर और डिप्टी मेयर को भी कभी घूम फिर के आइए बस स्टैंड में। कहाँ जाना है आपको? झारसुगुड़ा जाना है। क्या रुपया दे के जाना है? कितना किराया होगा उतना ही नहीं देंगे? किराया बढ़ेगा ना आप जी? किराया बढ़ेगा? हाँ, आज से ही बढ़ेगा, पहले ही से बढ़ा है? आज से ही बढ़ेगा, आज से तो तेल उल के महंगाई के कारण बढ़ा होगा। हाँ। वो तो बात है, तेल भी महंगा हो गया है। आप लोग देने को तैयार हैं उतना? मजबूरी है तो जा सकते हैं, देंगे नहीं, मजबूरी में जा रहे हैं। क्या करते हैं आप लोग वहाँ झारसुगुड़ा में? कुछ गाड़ी चलाते हैं। कौन गाड़ी? टेलर। टेलर? तो कितना दिन से अभी थे बेरोजगार? 6 महीना। 6 महीना से आप लोग घर में थे?
छः महीने से बैठे हुए हैं अभी। देख लीजिए समस्या अनंत है। ये लोग बस खोजने आए हैं लेकिन ये सब बस का हाल बुरा है। थोड़ा एक बार कुछ खर्चा कर दीजिए चंपाईदा, ये देख लीजिए आपका बस स्टैंड कैसा कबाड़ भइल है। सब आदमी लोग आ रहा है, स्टैंड में एक दो दुकान भी है। कितना दिन के बाद खोले जी आप दुकान? दो महीना हो गया। दो महीना कैसे चला? दो महीना में आपका घर बस चला क्या आगे? प्रॉब्लम तो सबके साथ है, सब कोई इसमें स्ट्रगल किया हुआ है, बस किसी तरह चल ही रहा है। अब देखिए अब कुछ सुधरे, गाड़ी तो शुरू हुआ है, उसके बाद सेल होगा। नहीं बस उसी से ना उम्मीद है, इस रोड में सिर्फ स्टैंड गाड़ी यही सब से ना उम्मीद है। ये सब देखे कि ये सब एक्सपायरी तो नहीं ना हो गया? हम लोग हमेशा फ्रेश स्टॉक रखते हैं, हमें कुछ पुराना नहीं मिलता। देखिए हम हेमंत जी के आदेश के बाद अनलॉक का ये प्रक्रिया है। आपको बहुत दिनों के बाद, लगभग दो महीने से ज़्यादा के बाद आपको इसमें स्टैंड में रौनक दिख रहा है। अरे एजेंट लोग कितना परसेंट कमीशन ले रहा है जी? अभी बताएंगे वही लोग हम लोग। तो आप टिकट काटने आए? आप नहीं ले रहे हैं टिकट? नहीं काट रहे। कौन सी? परिवहन विभाग का पार्किंग काट रहे हैं भाई। कितना लेते हैं एक बस से? 150 रुपया। देखिए चंपईदा माल तो कमा रहे हैं आप यहाँ से, लेकिन यहाँ का व्यवस्था टाइट नहीं है। थोड़ा सा सीमेंट वमेंट डाल के इसको बराबर कीजिए। चू हो रहा है छत, सरकार का सिस्टम है। थोड़ा एथी कीजिए, हम आपको खतगड़ा बस स्टैंड लेके चलते हैं। सुन रहे हैं वहाँ रेट जो मन में आ रहा वही कह रहा है। द ब्लैक बोर्ड, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रांची। जब भी हम खतगड़ा बस स्टैंड आते हैं, यहाँ की एक आवाज जो है वो अक्सर मेरे दिमाग में आती है। वो आवाज एक बार आपको मैं चाहता हूँ कि सुना दूं। सिमडेगा लहरदगा को जाने वाली राम सीता खड़ी है, कृपया टिकट ले ले। पता नहीं वो आवाज अब कहाँ गुम हो गई है, लेकिन यहाँ स्टैंड में आने के बाद हमको पता लगा कि मुख्यमंत्री स्वयं आए हुए हैं। तो हमको लगा कि हेमंत सोरेन, लेकिन नहीं, एक मुख्यमंत्री यहाँ दूसरे हैं, स्टैंड के हैं, उर्फ छोटू जी। आपको मुख्यमंत्री साहब क्या बोलता है? मेन खास आदमी है ना, गार्जियन है। बात कीजिए, कहाँ है मुख्यमंत्री बोलता है? मेन गार्जियन है, यही बताएं। छोटू उधर देखो ना, मैं क्या उधर बहुत बोलो, मैं क्या बोले भैया जरा बढ़िया। अच्छा मुख्यमंत्री कहाँ है बोलता है आपको? चुनाव ना लड़े थे क्या? कभी लड़ रहा खोरी महुआ से? खोरी महुआ तो विधानसभा नहीं है जी, राजधनवार ना विधानसभा है। क्षेत्र का आदमी है ना ये? बाबूलाल का आदमी है, बाबूलाल का, इसीलिए मुख्यमंत्री बोलते हैं। बाबूलाल जी का चिन्ह रहे हैं आप? बाबूलाल मरांडी जी बोल रहे हैं। इधर इधर देखिए ना, फोटो खिंचा रहा है आपका। कितना पैसा ले रहे हैं अभी आप हैं यहाँ से राजधान मार के? भाड़ा तो सुने बढ़ाए हैं जी आप लोग? लेकिन बहुत सही सिस्टम है, 28 बार डीजल बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाड़ा बढ़ा सबको पता नहीं क्या हो जाता है, अगर बढ़ाता है तो नहीं, आज गाड़ी चली 28 बार डीजल बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। आप लोग प्रोटेस्ट नहीं करते हैं कि डीजल का दाम बढ़ा इसलिए हम भाड़ा बढ़ाएंगे? प्रोटेस्ट करने सुने हैं कौन? या तो सीधा सुनने ही को तैयार नहीं होता कोई। 28 बार ये मालूम होगा पेपर में, 28वां बार डीजल बढ़ रहा। आज 25 रुपए सिलेंडर और मांगा हुआ मालूम? 25 रुपए सिलेंडर भी मांगा हो गया। और हम लोग बोलेंगे तो इसका कोई सुनेगा नहीं, सुनवाई नहीं होगा। ये सब हिंदुस्तान का तरक्की का ही है। स्कूल में गरीब और मर जाए, अमीर और ऊपर चल जाए। स्कूल में पैसा ले रहा अलग? नहीं बिना पढ़ाए पैसा ले रहा। तो ऑनलाइन पढ़ा रहा, मोबाइल ऑनलाइन का कॉल मैसेज कर रहा, ऑनलाइन पढ़ा रहा। ऐसे पढ़ता है, नहीं पूछता है क्या पढ़ता है, वो खाली मोबाइल पर देखता है। चार को बच्चा रह गया जिसका घर में, अरे वो मोबाइल रह गया कैसे पढ़ेगा बच्चा? अच्छा आप लोग कितना दिन के बाद स्टैंड में? कल से आए हैं। अभी सोचिए एक गाड़ी अभी आई, अप एंड डाउन उसका सेल हुआ 2500, 5000 का तेल लगेगा,
कम से कम 800 रुपया स्टाफ रखिए, कितना हुआ 5800, और उसका अप एंड डाउन सेल हुआ 2500 रुपया। घाटा में आप लोग चला रहे हैं तो एक दिन आ जाया गाड़ी, कल से बोला नहीं आएंगे, कल के दाम नहीं उठ रहा बस में, पैसेंजर हो नहीं रहा बस में, आदमी पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो क्या करेगा, बस में कहाँ सफर करेगा। दो महीना तो ऐसे ही बैठ के हम लोग के लिए कौन सरकार ना, कोई कुछ नहीं पूछा ना कुछ किया, कोई हम लोग के लिए कोई खोज नहीं, हम लोग तो मजदूर हैं, हम लोग तो काम करते हैं, न गाड़ी चल रहा है ना कुल्ली काम करते, कोई काम हो रहा है। इंटर स्टेट गाड़ी है, स्कूल कॉलेज बंद है, मेन तो वही है, वो बंद नहीं होता, सवारी 8 गो 10 गो हो रहा है, उससे क्या फर्क, आगे खड़ दे रहे, पैसा नहीं मिल रहा हम लोग को, पूछिए ना। एजेंट लोग अपना बढ़ाया कि नहीं भाड़ा, अगर दो सीट पे एक आदमी जा रहा है तो वैसा कोई तो बात नहीं हुआ है कि पैसेंजर कितना बैठाना या नहीं बैठाना, कोई डिसीजन नहीं, गाड़ी चलेगी खाली गाड़ी चलेगी, कोई न्यूज में दिया है कितना सवारी बैठा के चलाना है या कितना भाड़ा काटना, ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ है, कहाँ कौन थी न्यूज में दिया बताइए। हाँ तो आप लोग सैनिटाइज कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, सैनिटाइज हो रहा है, सैनिटाइज हो रहा है, सैनिटाइज हो रहा है, जिसके पास मास्क नहीं उसको मास्क दिया जा रहा है, ये सब कर रहे हैं आप लोग। तो आप लोग को वेतन वेतन मिलते रहा ये लॉकडाउन में? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, किसी कुछ नहीं, वेतन मिलना बंद, चक्का घूमना स्टार्ट, वेतन मिलना स्टार्ट, चक्का घूमेगा तब पैसा मिलेगा, नहीं काम कीजिए तो पैसा मिलेगा, कोई पूछने तक तो इवेंट किया यहाँ, तक तो कोई पूछवा नहीं करेगा, जब तक दर दुकान सब कुछ यहाँ बंद है, कुछ खाने के लिए भी नहीं मिल रहा। तो आप लोग का दिन कैसे कटा, कितना 70 दिन हो गया ना लगभग? 70 दिन 70 दिन हो गया, बहुत 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 कष्ट में जिंदगी काटे हैं, पर अगला डाउन में तो उतना दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अपने लॉकडाउन में बहुत दिक्कत हुआ। सुने थर्ड फेज आने वाला है जी, फिर थर्ड में जाएगा तो हम लोग अभी सीधे मरिए जाएंगे, अभी हम लोग का मंत्री का कुछ नहीं ध्यान देगा गरीब आदमी के, तो हम लोग तो लगता है अभी मरिए जाएंगे। आप अपना मंत्री को चिंते हैं, कौन है मंत्री आपका? हेमंत सोरेन मंत्री है जी, मुख्यमंत्री का आप मंत्री बना रहे हैं? मंत्री है चंपाई सोरेन, चंपाई सोरेन ये बाबूलाल का आदमी लगता है हमको भाई। हाँ भैया चंपाई सोरेन परिवहन मंत्री, चंपाई सोरेन है उनको चंपाई दा, हम लोग तो देखो बोले कि चेहरा भी नहीं लिखे हैं, चंपाई सोरेन कौन है परिवहन मंत्री? तो आप लोग कभी नहीं गए कि रोड टैक्स माफ कर दीजिए, परमिट फिटनेस ये सब? हम लोग तो लेबर है भाई, हम लोग तो काम करने वाला है, मतलब जो भी है परिवहन मंत्री उनको सोचना चाहिए, 28 बार डीजल बढ़ा है, अगर पुराना भाड़ा में चलते हैं 8 गो 10 गो सवारी हो रहा है तो हम लोग खाली खट रहे हैं, पैसा मिल नहीं रहा। आप लोग एक बार गए चंपईदा के पास कहने कि भाई देखिए ऐसे ऐसे बात है, टेल गए तो नहीं है लेकिन सोच रहे हैं चंपई, वो हम लोग से ना वो है, उनको भी तो आना चाहिए यहाँ पे एक बार भी हाल चाल लेने के लिए, एक बार भी आना चाहिए, जिसे वोट मांगने जाते हैं नेता लोग तो एक बार पूछने आना चाहिए कि यहाँ के आदमी लोग किस हालात में है। जिला प्रशासन का टीम आता है ना जो काटता है डेली? डेली नहीं, वो कहाँ से आएंगे? जिला प्रशासन का भी टीम नहीं आता है? जिला प्रशासन की टीम यहाँ डेली नहीं आता है, कभी कभार। जब स्थिति है देख लीजिए, ये मास्क ऐसे रखिएगा ना, थर्ड फेज में कोरोना पहले आपको पकड़ेगा, बता दे रहे हैं हम, समझ गए ना? हम लोग लगाए, लगाइए बढ़िया से। कहाँ बेच रहे चाचा? चना है सर, आज से शुरू किया, सत्तू है, चना है, पूरा ध्यान रखे हुए प्रोटीन का लोगों का, क्या कि हाँ ध्यान रखे हुए हैं, आज कितना दिन बाद भूखे मर रहे थे तो आज दुकान खोले हैं, क्या किया जाएगा, नहीं खोलेंगे तो बाल बच्चा कहाँ से पोसेंगे। इतना दिन कैसे चला? बस ऐसे कर्जा पर कर्जा खा रहे हैं, चला रहे हैं, बाल बच्चा भूखे नहीं आदमी रखेगा। देखिए इतना जो बस स्टैंड में पांच पू सन सुन आवाज आता था वो सब नहीं आ रहा है, थोड़ा शांत शांत इलाका है। ए जी और पहले मास्क तो नहीं बेचते थे, अब बेचने लगे? नहीं नहीं शुरू से ही, हम जब से यहाँ पर ठेला लगा रहे तब से मास्क बेच रहे हैं, हमारा ज्यादा दिन नहीं हुआ है, दो तीन इतना कम का है ठेला पे? सब तो सर बंदी में सब तो खत्म हो गया, पैसा बंदी में बैठ के खा गया कुछ, फिर जब स्थिति खराब हुआ तो फिर कुली कबाड़ी का काम करने लगे। तो ये सब बिकेगा बेल्ट वोल्ट? पहले तो बिकता था, अब देखिए अब क्या होता है। कहाँ जाना है आप लोग को? बस ही कोडरमा जाना है। कोडरमा तो कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? हम लोग यहीं से आ रहे हैं, रांची में रहते हैं। तो टिकट वगैरह ले लिए? नहीं लिए है टिकट वगैरह। कहाँ है?
अभी गाड़ी उड़ी को पता करेंगे तब ना, कहाँ जाता है नहीं जाता है उसके बाद ही ना टिकट लेंगे। 10 मिनट बाकी है। कितना दिन हुआ आपको पैसा हाथ में गिने हुए? गिने हुए तो अभी 2.5 महीना बाद, आज 2.5 महीना बाद पैसा पकड़ रहे हैं। क्या गो है पैसेंजर आपका गाड़ी में? 3 आदमी हैं बस। बस तो 3 आदमी को कैसे लेके जाएंगे? अब तो गाड़ी टाइमिंग परमिट है तो उसमें तो चलाना ही होगा। आने में डीजल भरा लिए 4500 का, 1600 में उधर से पहुँचे हैं, अभी देखिए इधर कितना होता है। घाटा में चलाइएगा तो। अब तो आज से तो शुरू किए हैं, कल परसों तो फिर बंद ही करना होगा। नहीं बढ़ेगा तो फिर क्या करेंगे? भाड़ा सुने की बढ़ा दिए आप लोग, पूरा हल्ला हो रहा हूँ कचहरी में, डीसी ऑफिस में, बस का भाड़ा बढ़ गया, बस का भाड़ा बढ़ गया। तो कहाँ हम लोग बस का भाड़ा बढ़ाए हैं? नहीं बढ़ाए हैं बस का, लिस्टेड भाड़ा जो लिया जा रहा है। पहले था ना सर, कुटी 60 रुपया था, तो 10 रुपया कम दिया ले लेते थे। अभी जो पहले का लिस्ट का जिसे 60 रुपया भाड़ा है उससे कम नहीं कर रहे हैं। आपको कहीं जाना है कि चलाना है? चलाना तो नहीं है, हम तो गाड़ी एजेंट हैं। अच्छा। और बैठे हुए हैं, पैसेंजर का तो इंतजार हो ही रहा है, लेकिन यहाँ कोई फायदा नहीं है। अब जितना का डीजल का दाम बढ़ गया है, चलेगा कैसे वो भी नहीं समझ में आ रहा। और जैसा कि यहाँ का माहौल दिख रहा है, कल बस स्टैंड खुली है तो देख लीजिए नज़ारा, क्या सवारी है क्या गाड़ी है। मेन तो डीजल का प्रॉब्लम है, इतना महंगाई में हो नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात है डीजल महंगा हो जाने के कारण गाड़ी वाला लोग भी थोड़ा मायूसे है, पैसेंजर भी नहीं आ रहा, वो अलग समस्या है। हाँ ये अलग समस्या है। कहाँ जाना है? धनबाद जाना है। धनबाद? तो आप पहले से सोच रहे थे कि बस खुलेगा तब बस ही से जाएंगे या काम पर? ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी का तबीयत खराब था। अच्छा। तो हॉस्पिटल में एडमिट थी जिसकी वजह से आए थे, अब वापस जा रहे हैं। धनबाद में ही रहते हैं? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, रांची टू धनबाद। देखिए एलडी मोटर्स त्रिमूर्ति लोग बैठल है, देख लीजिए किसके पास ज़्यादा पैसा होगा हम उसी से बात करेंगे। इनके पास ज़्यादा पैसा है। कितना पैसेंजर छोड़े? कहाँ पैसेंजर है? पैसेंजर कहाँ निकल रहा है? पूरा स्टैंड में हल्ला है कि पुलाव भाई के पास पैसा है, आप पुलाव भाई यहाँ भात भी खिलाने को तैयार नहीं है। पैसेंजर रहेगा तब तो पुलाव भाई से बात कर सकते। कितना बस छोड़े, कितना कितना पैसेंजर? एक भी गाड़ी नहीं छोड़े हम। नहीं, इनसे बात करिए ना। हाँ अभी 1 घंटे से लगी हुई है, 10 सवारी हुआ है, 1 घंटा से लगी हुई गाड़ी, 10 सवारी हुआ है। से गाड़ी कम सवारी होने के कारण अभी 4:10 में जाएगी एलडी मोटर। 10 सवारी, 1 सवारी का कितना भाड़ा है? भाड़ा जो वही भाड़ा बढ़ा के लिया नहीं जा रहा, 1 रुपया बढ़ा के लिया नहीं जा रहा, जो पुराना भाड़ा लिया जा रहा है। उधर तो सुने मोदी जी डीजल का दाम बढ़ाए हैं, तो आप लोग में पूरा कल बोला नहीं नहीं भाड़ा नहीं बढ़ा, भाड़ा नहीं बढ़ा, जो पुराना भाड़ा वही पुराना भाड़ा ही लिया जा रहा है। इसलिए सबको देखते हुए काम करना है, सब पैसे वाला नहीं ना, गरीब आदमी भी है लो रो, 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 इसलिए ओनर भी क्या करते हैं लोग, कुछ अपना मेकअप करेगा कैसे होगा? कोई मेकअप नहीं, जो कमीशन जो पुराना भाड़ा कट रहा है जो आदेश है वही कटेगा, कमीशन जो था वही था वही अभी भी चल रहा है। अभी सीट वाइज लेते हैं कि पैसा वाइज लेते हैं? डीजल का पैसा नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग कभी प्रोटेस्ट देखे कि नहीं किए धरना प्रदर्शन के डीजल का दाम? जिस मालिक का गाड़ी 20 लाख का संपत्ति खड़ा है वो प्रोटेस्ट नहीं करता तो हम लोग क्यों प्रोटेस्ट करें? तो मालिक जैसा चाहेगा वैसे आदेश देता है मालिक, तभी तो कुछ हम लोग कदम उठा सकते हैं, जब तक उनका आदेश नहीं आएगा कुछ नहीं कर सकते हम लोग। कितना दिन के बाद खोले हैं? मास्क लगाए दूरी बनाए हैं, कितना दिन के बाद दुकान खोले? 2 महीने के बाद दुकान खोले। 2 महीना के बाद नगर निगम लिया आपका 2 महीना का भाड़ा के छोड़ेगा? नगर निगम तो अभी तक कुछ बोले नहीं है, ऐसे हम लोग का पिछले बार भी बंद हुआ था तो भाड़ा माफ नहीं हुआ था। अगला लॉकडाउन का भी हम लोग का 6 महीना का भाड़ा माफ नहीं हुआ, तो
और लोग कभी वहाँ नगर निगम गए? हम लोग एप्लीकेशन वहाँ डाल चुके हैं, अगला लॉकडाउन में भी डाले हैं और इस बार तो अभी तक नहीं डाले, कल से तो दुकान ही खुल रहा है। पिछला बार वाला भी माफ नहीं हुआ, इस बार वाला आप लोग को उम्मीद भी नहीं? उम्मीद तो लगाए हैं, अब देखिए नगर निगम पर डिपेंड करता है। कितना लेता है इस का दुकान का? 40,000। 40,000 रुपया महीने का। देखिए स्थिति, लेकिन इन्हीं से रौनक आता स्टैंड का, पता नहीं नगर निगम अभी क्या फैसला कर रहा है। ये लोग भी एप्लीकेशन दिए हुए हैं। नगर निगम से कुछ बात हुआ चाचा आपका? एप्लीकेशन दिए हुए अभी हम लोग, भाड़ा माफ का। तो बोले ना कि पिछला लॉकडाउन वाला नहीं माफ हुआ, अभी दो महीना का वो बात हुआ है, सिर्फ एप्लीकेशन डाल के आए हुए हम लोग अभी। एप्लीकेशन डाल के पैसेंजर लोग आ रहा है अभी? बहुत कम है, आ रहा है लेकिन बहुत कम, अभी धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। अच्छा खासा भाड़ा दे के ये लोग लिए हैं बेचारे लोग, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि कब कौन कहाँ जाएगा। आपको कहाँ जाना है? बनारस। बनारस, बनारस का यहाँ से गाड़ी खुलता है जी? तब फिर आप तीनों आदमी बैठे हैं, आप लोग को कहीं जाना है? नहीं, हम लोग गाड़ी वाले हैं, गाड़ी स्टाफ। तो इतना उदास चेहरा लेके काहे बैठे? सवारी है नहीं, निकल नहीं रहा, सुबह से लगाए गाड़ी, सवारी नहीं है, सवारी के इंतजार में, सवारी से आ नहीं रहे हैं अभी, आज मैंने खराब है, कोई सवारी अभी निकल नहीं रहे हैं, जानकारी भी नहीं है कि गाड़ी खुली है बोल के। आप क्या करते हैं? गाड़ी में काम कर रहे हैं, हेल्पर रहे हैं। हेल्पर हैं, कैसे चला है जी? दो महीना बंद था तो आप लोग का काम? हम ऐसे खड़ा क्या करेगा, गाड़ी लॉकडाउन में तो बंद, चोरी चट्टा हो रहा सब। कैसे खाए, खाना वाना ठीक है? सरकार दी, सरकार दिया, उसी से खाया पिया इन लोग। सरकार दिया? सरकार दिया, फिर क्या ऑटो वाले सरकार होटल जो बाटा खाटा उससे है। देख लीजिए स्थिति बहुत बुरा है, दो महीना के बाद भले ही आपको आदमी कुछ कुछ इक्का दुक्का दिख रहे हो, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन वाला ही स्थिति है। समझ में नहीं आ रहा है कि बस चलाएं कि नहीं चलाएं। तो ज़्यादातर लोगों को ये मैसेज दे दीजिए कि अब झारखंड से गाड़ियां खुल रही है, रांची से गाड़ियां खुल रही हैं, तो जिनको बस की यात्रा करना है वो लगा जाए, हम जा रहे हैं। बाय बाय। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in